ये तो दोस्तों मिड्स ख़त्म हो गए हैं, तो रूम में बैठे बोर हो रहे थे, बनाया प्रोग्राम जकार्ता विज़िट करने का, सो लेट्स सी द जकार्ता, लेट्स गो। दोस्तों ये मशीन है कार्ड में बैलेंस चेक करने के लिए, इस पर हमने रखा है, चेक किया और यहाँ से हो गया। दोस्तों जोरंडा स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो अभी हम मस्जिद इस्तकलाल की तरफ जा रहे हैं। जी तो दोस्तों मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गए हैं। जैसे ही मस्जिद में एंटर होने लगे हैं, दरवाजे पे गार्ड बैठे हुए थे, गार्ड ने रोका है, रोक के सलाम किया है, सलाम करने के बाद पूछा है डू यू वांट टू प्रे, मैंने कहा यस, देन दे अलाउ मी टू एंटर इन द मॉस्क। और ये मुझसे ही नहीं हर बंदे से पूछते हैं, पहले मेरे कुछ सीनियर भी आए थे, उन्होंने भी बताया था कि आप जैसे ही इंटर होने लगते हैं तो ये हर बंदे से पहले पूछते हैं और फिर अंदर आने का अलाउ करते हैं। ये सामने चर्च है और इधर मस्जिद है, कोई पाकिस्तान वाले हालात नहीं है, चर्च क्यों है और मस्जिद क्यों है, जैसे कि इस्लाम में अलाउड है कि हर बंदा अपनी आज़ादी से इबादत कर सकता है, तो इन्होंने अलाउ रखा हुआ। ये वुजू करने की जगह है, तो वुजू कर लिया, अब हम नमाज पढ़ने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर नमाज भी है, छोटे छोटे नमाजी भी आए हुए हैं। ये बाहर से एंट्री है, तो हम लोग सीधा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में चले गए थे, जहाँ पे इनके सारे जो आउटसाइडर विजिटर्स आते हैं उनको उधर लेकर जाते हैं, पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनको अंदर एक अबा पहना कर अंदर लेकर आते हैं। ये मस्जिद का सेहन है, अभी ऊपर भी फ्लोर हैं बट हम इधर तक ही रहेंगे।
ठीक है जी। तो दोस्तों मस्जिद के सहन में बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बेहतरीन एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लगाया गया है। ये जितने भी पिलर लगे हुए हैं इन पे चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं, बट इन से हटके भी कोई ना कोई सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि एक कंटिन्यूसली ठंडी सी हवा चल रही है जो कि सिर्फ इन पंखों की वजह से नहीं हो सकती। और इधर ये जो पिलर लगे हुए हैं ये सर्कुलर फॉर्म में हैं, 8 से 9 पिलर हैं, और इनके हर पिलर के पास कुरान मजीद और दूसरी बुक्स पड़ी हैं पढ़ने के लिए। और हम बिल्कुल टॉम के नीचे बैठे हैं, मस्जिद का गुंबद जो होता है, ये गुंबद का इंटीरियर व्यू है, और ये बिल्कुल हमारे सामने जो है ये मेहराब है, ये आप देख सकते हैं। और इसके चार फ्लोर हैं, ऊपर भी नमाजी खड़े हो सकते हैं। जब यहाँ पर जुम्मा और ईद वगैरह हो तो ये तकरीबन सारा फुल होती है मस्जिद। तो अभी विजिटिंग टाइम है तो इतने आवाम नहीं है, किसी स्पेसिफिक नमाज का वक्त नहीं है अभी। सो जब हम आए हैं सबसे पहले हमने नमाज पढ़ी है, उसके बाद आगे अपना विज़िट कंटिन्यू किया है। तो ऐसे जब भी मकामात पे जाएं उनको विज़िट करें, अगरचे उनको यूनिक बनाया जाता है बट उनके तकद्दस का ख्याल रखें, और नमाज का वक्त हो तो नमाज भी लाजमी पढ़ें। इनका एक बहुत ही अच्छा तरीका जो मुझे बहुत पसंद आया है, जैसे ही उधर से इंटर हुए हैं तो उन्होंने गार्ड्स ने हमसे पूछ लिया है कि आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, तो कहा कि मुस्लिम है, नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, तो उन्होंने हमें आने दिया। अगर गैर मुस्लिम होते तो वो उनको ले जाते हैं एक अलग से रूम में, उस रूम में जाके उनकी एंट्री करते हैं, उनको एक अबा पहनाते हैं, वो अबा पहना के खुद साथ आते हैं और उनको पूरा विज़िट करवाते हैं ताकि मस्जिद के तकद्दस पामाल ना हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि उनको साथ लेकर आते हैं, एक अबाया पहनाते हैं ताकि उनके बदन के जो मकामात दिख रहे हैं वो मस्जिद में ना दिखें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं देखी जाती। आप देख लें शाही मस्जिद में, अब तो उधर खुला आना जाना ही है, कोई नहीं पूछता ही। बहरहाल जी बहुत बेहतरीन है, जब भी आप इंडोनेशिया विज़िट करें तो लाजमी आएँ, मस्जिद इस्तकलाल नाम है, और बहुत बेहतरीन बहुत प्यारी बनाई गई है, और बहुत ही बेहतरीन एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है अंदर, कोई ज़रा सी भी गर्मी फील नहीं हो रही। जबकि आज हम निकले हैं तो बाकी दिनों की नस्बत बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, बट अंदर बिल्कुल कूल इन्वायरमेंट है। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच जी। ये एक गोरा था, उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो वो कहीं डायरेक्ट ही आ गया, तो उन्होंने उसको मेन मेहराब में अंदर इंटर नहीं होने दिया, मेन जो सेहन मस्जिद को होता है उसमें एंट्री उन्होंने नहीं अलाउ की। मेन के शॉर्ट पहन के भी आप अंदर नहीं जा सकते, तो जब भी आएँ कंप्लीट ड्रेसेस में आएँ, जिनमें नमाज हो सकती है उनमें आएँ। वैसे भी आपको पता ही होगा नी से लेकर ये नाफ तक आपका बदन ढका हुआ होना ज़रूरी है नमाज के दौरान मर्दों के लिए। तो इन साहब को उन्होंने अंदर जाते हुए रोका है और कहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो अभी बाहर जा रहे थे। अगले बंदे का भी रवैया देखो, उसने दूसरी बात तक नहीं की और वो फौरन से पीछे चला गया और बाहर निकल गया। अगर यही पाकिस्तानी होता तो ना पूछे क्या क्या होता है जी। ये गोरे कोरियन जापनीज़ और इस तरह के दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, इनको वो ये गौन पहनाते हैं, ये एक सबल सा गौन है जिसमें इनके आप बदन का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि इनको फुल ड्रेस में प्रॉपर ऊपर लेके आया जाता है।
Yes. Okay, glasses. Okay. This is the best part here. Don't take one picture here. Okay. And we use also this place for pray. Actually, we use this place just twice a year, just in our big celebration, Idul Fitr and Idul Adha. And when we are praying in here, we are standing in this line. We are standing in this line. And this is direction to Mecca, because the architect was create this pattern for easier to passing Mecca. And this is the direction to Mecca. One square and one square. So ये बता रहे हैं कि ये जो नीचे लाइनें बनी हुई हैं, इन लाइनों के ऊपर हम प्रे करते हैं जब भी कोई इवेंट आता है, तो उस पर मतलब ईद आ गई, जुम्मा वगैरह आ गया, जब बंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके ऊपर ये जाए नमाज, ये समझ लें आप, इस डायरेक्शन में पढ़नी है और इतने इतने फासले से पढ़नी है। तो ये इनके साथ ही हैं, ये टूरिस्ट हैं, सारे फॉरनर्स हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो ये इनके साथ हैं, इनको गोन पहनाया हुआ है और ये साथ साथ इनको गाइड कर रहे हैं। ये सामने चर्च है और ये मस्जिद इस्तिक्लाल है। उन्होंने इस चर्च के बारे में बताया कि सामने चर्च है और ये मस्जिद है, बट जब भी क्रिसमस आता है तो उनको पार्किंग हम प्रोवाइड करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ किसी किस्म के लड़ाई झगड़ों वाला सीन नहीं होता हमारा। इस तरह पाकिस्तान में जी उनके मंदिर गिराए जा रहे हैं और डिफरेंट सिचुएशन बनती रहती हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी क्रिसमस आता है पार्किंग हम प्रोवाइड करते हैं और जो कुछ हो सके उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही साहब, जो फॉरनर्स को गाइड कर रहे थे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, साथ साथ वो तबलीग कर रहे हैं और साथ साथ उनके लिए आसानी पैदा हो रही है कि उनको सारा घुमा रहे हैं और साथ साथ उनको इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, पीस के बारे में बता रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के साथ इस्लाम के रिलेशंस को हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह इस्लाम को बताया जाता है उस गलत कन्फ्लिक्ट को उनके जहनों से दूर कर रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये अभी हमें खाना मिला है, तो आइए इसको खाते हैं। ये उन्होंने ये एक दी है जायनमाज, पॉकेट साइज जायनमाज, इसको आपको दिखाते हैं, चेक करें, ये पूरी जायनमाज है माशाल्लाह जी। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे 3 से 4 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हैं, वार्म, कूल एंड हॉट तीनों किस्म का पानी। वुजू की जगह से थोड़ा सा पहले करके है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही, वुजू की जगह से थोड़ा सा पहले।